गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोग ने एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट किया। आज दूसरे सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 18 भी शुरू कर रहे हैं। राइट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मीन मीडियन और मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। हम लोग क्या देख रहे हैं? मीन देख रहे हैं, मीन देख रहे हैं। तो हमने मीन देखा, ठीक है, हम लोग ने मीन एक्सरसाइज 18A में देखा। हम लोग 18B देखेंगे जिसमें मीन फॉर एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग निकालेंगे मीन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ऐसा ऐसा नंबर्स का मीन निकालना रहेगा जिसमें क्या रहेगा, कोई भी डाटा, कोई भी नंबर एक से कई बार ज्यादा आ रहा होगा तो उनका मीन निकालना रहेगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग को। होता है मीन एक्स डैश इक्वल्स F1 X1 F2 X2 डॉट 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 प्लस Fn Xn अपॉन F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn। मीन्स की डाटा फर्स्ट में जो फ्रिक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई प्लस कर दो, जो सेकंड डाटा है उसमें उसके नंबर का मल्टीप्लाई, उसके फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए, डॉट डॉट करके हम लोग पूरा लिख लेंगे। उस अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ Fi into Xi अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन चल के देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसके। आसान, बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं होगी हम लोग को। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऑब्टेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्टेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। हम लोग को ऑब्जर्वेशन कुछ है उसका हम लोग को दिया है, जिसमें क्या वेरिएबल्स हैं 4, 6, 8, 10, 12, इसी के अकॉर्डिंग इनकी फ्रिक्वेंसीज है 4, 8, 12, 14, 11 और 3। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इन लोग के लिए एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग वैल्यूज को उसके फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो जो हमको दिया होगा चीजें उसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ हमको, जैसे वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमको वेरिएबल दे रखा है, एक्स आई, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी को यहाँ सेकंड वाले लिख लेंगे, फ्रिक्वेंसी एफ आई, और लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, खुद से कर लेंगे Fi into Xi। वेरिएबल्स क्या क्या है देख लेते हैं, इसलिए 4, 6, 8, 10 and 12, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ऐसे है 4, 6, 14
11 एंड 3, ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हो गई। ओके चलिए, अब ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हो गई। अब लोग क्या करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई कर लेते हैं। 4 4 16 हो जाएगा, जान रहे हैं 6 36, ये 14 8 जा 112, 10 11 10 जा 110, एंड लास्ट 12 3 36। हम लोग यहाँ पे समेशन कर लें, अगर और हम लोग इसका भी समेशन कर लेते हैं, काम यहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी के साथ कर ऐड कर लेते हैं, तो मिलेगा 6 6 12 2 14 6 20 का 2 कैरी लगा, 2 3 हो गया, 3 3 6 6 1 7 8 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 1 1 2 1 1 2 3 310। तो कितना आ गया 310। अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी का समझ देख लेते हैं, 10 प्लस 14 10 प्लस 14 24 24 प्लस 11 35 प्लस 35 प्लस 3 38, ये हो गया हमारा। और क्या करते हैं, आप लोग चलिए, अब जो हमको मीन निकालना है नंबर्स का, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन एक्स डैश इक्वल सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, समेशन लिख दिया हमने, तो ये हमें 310 आया है, ये 38 आया है। हम छोटा पहले कर लेते हैं ताकि आसानी से डिवाइड कर सकें, तो हो जाएगा हमारा 155 अपॉन 90। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा मीन आपको मिला पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितनी बन जाएगा 110 जाएगा, 31 टाइम। अभी भी क्या होगा, अभी भी कितना बचा हुआ 11,
11 बचा हुआ है तो जीरो लग जाएगा 110, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 कितनी टाइम जाएगा, 19 10 में 5 टाइम, तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक करते हैं, ओके। आगे चलते हैं, पिछले दो सेकंड में देखते हैं, क्या दे रखा है नंबर सेकंड में। अलॉय केबल फ्रॉम द टेबल द वेट ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ये टेबल जो हमारी है इसमें दिया हुआ वेट ऑफ 12 वर्कर्स की, 12 वर्कर्स के हमको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, एक फैक्ट्री में 12 वर्कर्स का वेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से बता देते हैं हम लोग को, इसमें से 4 वर्कर्स का 60 केजी है, 3 वर्कर्स का 63 है, 2 वर्कर्स का 66 है, 2 वर्कर्स का 69 है, 1 वर्कर का 72 वेट है। फाइंड द मीन वेट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स का मीन वेट हमको फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, वही काम करेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। पहला हुआ वेट ऑफ वर्कर्स, जो कि एक्स आई है, ये है एक्स आई। नंबर्स ऑफ वर्कर्स, जो कि है एफ आई। पहला वेट कितना दिया गया है, पहला वेट दिया गया 60 केजी, कितने 4, तो बताएंगे हम 4 वर्कर्स का 60 केजी है। फिर देखते हैं 63, तो बताएंगे 63 कितने वर्कर्स का है, 3 वर्कर्स का वेट, तो बताएं 66 2 वर्कर्स का है। फिर बताएंगे हम लोग 9, ये भी 2 वर्कर्स का है, एंड लास्ट में है 1 वर्कर का। वन वर्कर का वेट है 72 है। हम लोग यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे, तो ये हो गया 3 9 3 6 18, 66 2 132, ये हमारा होगा सब निकाल। संभी लगे हाथ पता कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 8 or 9, 10 plus 9, 19, 120, 0, 2 लगा कैरी, 4 or 2, 6 or 8, 14, 17, 20, 20 or 7, 27, 2 कैरी लगा, 2 to 4
फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये हो गया। आप लोग जान रहे यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 12 हो जा रहा है क्योंकि 12 वर्कर्स हैं बच्चों। तो ये एफ आई सम ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके अब चलिए मीन ऑफ द निकाले, मीन निकाल लेते हैं, मीन ऑफ वेट ऑफ द वर्कर्स, मीन वेट ऑफ द वर्कर्स निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग इतनी बातें निकाल लिया, अब हमको बिल्कुल रह नहीं गया क्वेश्चन में, अब निकाल लेते हैं हम लोग मीन वेट ऑफ सम ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई कितना आया हमारा, 720 आया है। सम ऑफ एफ आई कितना आया है, 12 आया है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, आंसर पा लेते हैं। 12 6 72 कितना कैरी गया, 5 5 गया, 50 हो गया। 12 4 48 50 हो गया, तो 48 टाइम तक जाए, 48 तक ले जाएंगे तो कितना हुआ, 6 4 48 कितना हो जाए, 2 बचा जाएगा, नहीं तो डेसिमल लगाएंगे 12 हो जाए, 20 हो जाएगा, 12 1 12 8 बचा 8 फिर 0 हो जाएगा उसमें, तो 80 हो जाएगा, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा, 12 6 जा फिर बचेगा 8 ऐसे आता रहेगा, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 7 ये हो जाएगा उसका, इतने वेट के जी है, इतना वेट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेजरमेंट्स ऑफ अ डायमीटर्स ऑफ अ हेड ऑफ 50 स्क्रू आर गिवन बिलो। ठीक है, हमको 50 स्क्रू मीटर्स का डायमीटर, उसके हेड का डायमीटर दिया हुआ है। देखिए जैसे 5 का है, ठीक है, एमएम में सब कुछ दिया, एमएम में दिए हुए सब 5 स्क्रू ऐसे हैं जिनके जो हेड है उनका डायमीटर 34 एमएम है, 10 ऐसे हैं जिनके 37 mm है, 17 ऐसे हैं जिनका 40 mm है, और 12 ऐसे हैं जिनके 43 mm है, और 6 ऐसे हैं जिनके 46 है। कैलकुलेट द मेन डायमीटर ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू, तो हमको उनका मीन निकालना, मीन डायमीटर।
diameters. In mm, ये है xi, नंबर ऑफ स्क्रू, आई हमारा हो जाएगा एक्स आई एफ आई इंटू एक्स। जैसा कि दिया गया 34 है, 34 mm वाले कितने हैं, 5 हैं। 37 वाले कितने हैं, 37 वाले 10 हैं। 40 mm वाले 17 हैं। 43 mm वाले 12 हैं। 46 वाले 6 हैं। 34 5 जा 5 4 जा 20 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17 170 37 10 जा 370 17 0 17 0 0 17 4 जा 68 12 3 जा 36 12 3 जा 36 3 कैरी 12 4 जा 48 3 ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग एफ आई निकाल लेंगे, तो एफ आई हमको पता है कितना है, 50 स्क्रू है, तो 50 हो गई है, 50 होगा, 15 प्लस 17 20 32 प्लस 18 50 हो रहा है। 12 का 2 कैरी लगा 16 24 32 3 कैरी लग जाएगा 3 1 4 4 3 4 3 7 7 6 13 प्लस 8 18 प्लस 2 20 हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये है सम ऑफ एक्स आई एफ आई, कितना आया 2022। चलिए अब मीन निकाल लेते हैं जल्दी से, देखते हैं इसको करते हैं। तो 0 0 कैंसिल करते हैं, बच जाएगा 2002 और 5,
फाइव डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, फोर टाइम में। अब जाएगा नहीं, जीरो बढ़ा के डेसिमल लगाएंगे 20 हो जाएगा, अब फोर टाइम में ये हो गया एमएम, इतने ही आंसर हो गए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, तब तक लिए बाय बाय।